अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। अंबर, आपकी दोस्त, आपके पसंदीदा शो ब्रांड्स अनलिमिटेड में, जो आप हर बुध की सुबह 10 बजे से 11 बजे तक सुनते हैं। सामिन, आप जानते हैं, हम अपने इस शो में मुख्तलिफ ब्रांड्स को इनवाइट करते हैं और उनसे उनकी कामयाबी का सफ़र आप सबसे शेयर करते हैं। हर शख्स, हर कोई अपनी ज़िंदगी में मुख्तलिफ ब्रांड्स का इस्तेमाल करता है। इन ब्रांड्स की शॉपिंग के लिए कभी हम अपने पास वाले मोहल्ला स्टोर पे ही चले जाते हैं, कभी हम बड़े बड़े मॉल्स की तरफ जाते हैं, कभी हम एक शहर से दूसरे शहर भी जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, कभी हम ऑनलाइन शॉपिंग भी करते हैं। सामिन, ब्रांड्स, मैं हमेशा कहती हूँ कि जी, शॉपिंग करना ना एक नशा है, इसके लिए आप कहीं भी पहुँच जाते हैं। और हम, जिस तरह आप जानते हैं कि हम अपने शो में मुख्तलिफ ब्रांड्स का जिक्र करते हैं, तो जब हम रंगों की बात करें, तो सामीन, जब इंसान दुनिया में आँख खोलता है तो सबसे पहली चीज़ वो क्या देखता है? वो रंग ही देखता है। अल्लाह ताला ने ये पूरी दुनिया रंगों की खूबसूरती से भरी हुई है। हर मौसम के मुख्तलिफ रंग हैं और ये रंग इंसान की ज़िंदगी में बड़े नुमाया किरदार अदा करते हैं। इंसान की अगर पर्सनालिटी को देखा जाए तो वो भी रंगों की वजह से ही पहचानी भी जाती है। और अगर मुझसे कोई ये पूछता है कि रंग की डेफिनेशन बताओ, रंग की तारीफ करो, रंग क्या है, तो मैं कहूँगी कि ज़िंदगी का दूसरा नाम रंग है। अगर आपके पास भी कोई ऐसी नई डेफिनेशन तो मुझे ज़रूर बताएगा। फिर सामने, जब हम अपने घरों की आराइश और हम उनकी सजावट की बात करते हैं, तो सबसे पहले जब कोई घर बन जाता है तो एक जहन में आता है, या अपने आप घर में कोई नई लुक चाहते हैं तो आप कहते हैं पेंट करवा देते हैं। ईद आने वाली है, कोई त्यौहार आने वाला है तो पेंट कराते हैं। फिर कौन सा कलर होना चाहिए, अच्छा कौन सी कंपनी का पेंट इस्तेमाल करना चाहिए, ये ऐसे 4-5 सवाल हैं जो मेरे जहन में तो फ़ौरन से आते हैं। आपके जहन में कौन से ऐसे सवाल आते हैं आज के शो में, आप ये भी मुझे बता सकते हैं। सामीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं, आज का हमारा ब्रांड है हैप्पी लाइक पेंट्स, और हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये पेंट इंडस्ट्री कैसे काम करती है। मोहम्मद काशिफ खान हमारे साथ मौजूद हैं, रीजनल सेल्स मैनेजर साउथ हैप्पी लाइक पेंट्स। अस्सलाम वालेकुम काशिफ, वेलकम टू माय शो ब्रांड्स अनलिमिटेड। सबसे पहले तो वालेकुम अस्सलाम अंबर, एंड अस्सलाम वालेकुम टू ऑल द लिसनर्स हु आर लिसनिंग टू आवर शो, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। एक्चुअली एंड एक्चुअली दिस इज एन अपॉर्चुनिटी टू लेटिंग पीपल नो अबाउट द हैप्पी लाइक ब्रांड्स। बिल्कुल काशिफ, मैं चाहूँगी कि हमारे सामीन सुनना चाहेंगे कि हैप्पी लाइक पेंट कब वजूद में आया, इसके पीछे कौन ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना जहन लगाया और इस हैप्पी लाइक पेंट को बनाया। उर्दू में बात करें। देखिए अंबर, मैं इस चीज़ को बड़ा थोड़ा सा ब्रीफली आपको बताऊँगा और हमारे लिसनर्स को भी ये जानना ज़रूरी है कि दुनिया में करोड़ों लोग हैं, ठीक है, लेकिन उसमें से चंद ही ऐसे लोग होते हैं जो विजनरी सोच रखते हैं, जो बड़ा सोचते हैं, जो अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए और अपनी मुल्क की इकोनॉमी के लिए बड़ा सोचते हैं। उनमें से एक लीडर हमारे थे, लेट मरहूम ख्वाजा अब्दुल रज़ाक सिक्का साहब। आज से 40 साल पहले, कमोबेश 4 decades बिफोर, उन्होंने कंपनी फॉर्म की, उन्होंने सोचा, बड़ा सोचा, उनका एक मिशन था। क्योंकि उस वक्त अगर आप पहले सोचे हैं कि पेंट्स में वो क्यों आए, तो पहले इतना कंपटीशन नहीं था, लोगों को इतने मालूमात नहीं थी कलर्स के हवाले से, लोग चूना करा लिया करते थे। तो एक पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान का एक ब्रांड बनाने के लिए उन्होंने कंपनी फॉर्म की, जिसका नाम उन्होंने रखा कारस पेंट इंडस्ट्री के नाम से। कारस को अगर मैं एब्रीविएट करूँ हमारे लिसनर्स के लिए, तो ख्वाजा अब्दुल रज़ाक सिक्का एंड सन्स के नाम पर उन्होंने कंपनी बनाई। उनके मिशन को उनके साहबजादे, जो कि हमारे करंट सीईओ भी हैं इस वक्त कंपनी के, ख्वाजा शाहिद रज़ाक सिक्का साहब, और उनके दोनों भाई ख्वाजा खालिद सिक्का साहब और लेट ख्वाजा साजिद सिक्का साहब, उनके मिशन को आगे लेके बढ़े और अब माशाल्लाह से 3री जनरेशन इस बिज़नेस को रन कर रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम लोग पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा ब्रांड है, हम प्राउडली कह सकते हैं कि हम पाकिस्तानी नेशनल ब्रांड हैं। और इस वक्त अगर आप देखें तो हम लोग करीबन कमोबेश, बल्कि ज़्यादा ही मैं कह सकता हूँ कि 2000 से ज़्यादा हमारे आउटलेट हैं ऑल ओवर द पाकिस्तान, और नॉट हेयर ओनली इन पाकिस्तान, सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं, अब हमारा ब्रांड, हमारे पास एक अच्छा मार्केट शेयर है कतर के अंदर भी, अफगानिस्तान के अंदर भी,
एंड नाउ रिसेंटली वी हैव स्टार्टेड पेनिट्रेटिंग इन ऑस्ट्रेलियन मार्केट इज वेल. हम लोग ऑस्ट्रेलिया की मार्केट को भी कैप्चर करने जा रहे हैं, एक्सपोर्ट्स भी कर रहे हैं. तो हम प्राउडली कह सकते हैं कि हम पाकिस्तान का एक ऐसा ब्रांड है जो अब दूसरे मुल्कों में भी जा रहा है और वहाँ के लोग भी हमारा ब्रांड यूज कर रहे हैं. तो अगर ब्रांड चाइल्ड में इस इंडस्ट्री का कहूँ, हमारी कंपनी का कहूँ, तो हमारे विजनरी लीडर थे लेट ख्वाजा अब्दुलरज़ाक सिक्का साहब. बिल्कुल जी, लोगों का बड़ा विजन होता है और बड़ी बात होती है कि उनकी जनरेशन टू जनरेशन नेक्स्ट उसी बिजनेस को स्मूथली रन करें और मोर एक्सपेंशन की तरफ जाएं. और बिल्कुल, अगर वो कहते हैं ना कि पहला लगाया हुआ पौधा अगर स्ट्रॉन्ग होता है तो फिर उसकी जड़ें तो फैलती ही चली जाती हैं. अच्छा, हम जब बात करते हैं काशिफ पेंट की, पेंट की बात करते हैं, हम आपके प्रोडक्ट्स को भी इंशाल्लाह भी नेक्स्ट उसमें शेयर करेंगे. लेकिन बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि मैं अगर पेंट कराने जाती हूँ एज ए ले मैन, अपने घर को पेंट कराना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं मुझे नहीं पता चलती कि मुझे कौन सा पेंट ख़रीदना चाहिए, क्या टेक्सचर वाला पेंट ख़रीदना चाहिए. अब मैंने किसी से सुना या किसी की दीवार पर देखा कि भाई टेक्सचर पेंट लगा हुआ है, तो मैं भी अपने घर पर करा लेती हूँ. तो मुझे कैसे पता चले कि मैं ऐसे ले मैन, अगर मुझे घर में पेंट कराना है तो मुझे क्या ज़रूरी बातें हैं जो मुझे पता होनी चाहिए? ये बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये तमाम लिसनर्स के लिए भी मैं बताना चाहूँगा और बड़ा ब्रीफली बताना चाहूँगा आपको इसके बारे में. इसको तीन स्टेप्स में आप डिवाइड कर लें, तीन तरह के मरहल अगर आप कर लें तो आपके लिए ईजी हो जाएगा. नॉर्मली यूजुअली आम तौर पर एक कॉमन मैन, एक मैंगो मैन, एक आम आदमी करता क्या है कि क्योंकि इट्स अ लग्जूरियस आइटम ना, ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते और ना कि हर 15 दिन बाद हम घर में कलर करवा सकते हैं. बजट बनाना पड़ता है, बजट बनाना पड़ता है ऑफकोर्स. तो नॉर्मली कॉमन मैन करता क्या है कि उसे कलर करवाना है, उसने सोचा तो वो पेंट की मार्केट जाएगा और वहाँ पर जो हमारे डीलर हजरात होते हैं वो उनसे गाइडलाइन देता है, जो कि अच्छी बात है. वो एक एक्सपीरियंस होते हैं, वो अच्छे तरीके से उन्हें गाइड करते हैं और वो कलर लेकर आ जाते हैं. मैं काशिफ आपकी बात यहाँ रोक रही हूँ. हमारे पास ना ये ज़ाहिर है आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है, हमारे पास एक आ गया कमर्शियल ब्रेक. ठीक है, और कमर्शियल ब्रेक पे रुकना बहुत ज़रूरी है. सामीन, आपने हमारे साथ ही रहना है. हमारे साथ काशिफ खान मौजूद हैं, मोहम्मद काशिफ खान, रीजनल सेल्स मैनेजर साउथ हैप्पी लेक पेंट्स. आप भी सवाल करना चाहें हमेशा की तरह शो में शामिल हो सकते हैं. कोई भी पेंट के हवाले से कोई सवाल हो तो कॉल कीजिएगा और छोटी कॉल कीजिएगा 02111000105. ब्रेक के बाद वापस आते हैं, स्टे ट्यून्ड विद अस. We will be right back after this short commercial break. इतना पैसा लगाकर अपने इकलौते बेटे को बाहर पढ़ने भेज रहे हैं, अपने लिए भी कुछ बचाया है? मेरा तो फोन ही नहीं खुल रहा है. तो इंतजार कैसा कल के लिए, आज ही अपना HBL इस्लामिक रुतबा अकाउंट खुलवाएं. मज़ीद मालूमात के लिए अभी 111111425 पर कॉल करें या www.hbl.com विजिट करें. HBL इस्लामिक बैंकिंग मुतवाज़न ज़िंदगी के लिए शरायत और ज़वाबित लागू है. ज़बान की तरह ज़बान का बाप उसे घर छोड़ गया है ताकि वो पोलियो के कतरे ना पी सके. मुझे देखो लाला, अगर मुझे बचपन में पोलियो के कतरे पिला दिए जाते तो आज मैं खुद अपनी टीम के साथ मैच खेलता. गलती मेरी थी, काश मैंने उस वक्त अपने बच्चे को पोलियो के कतरे पिलाया होता तो आज वो अपने पांव पे खड़ा होता. मगर ये पोलियो का टीम बार बार क्यों आता? ताकि बच्चों में वैक्सीन का असर बरकरार रहे, इसलिए 5 साल तक के तमाम बच्चों को हर बार पोलियो के कतरे लाजमी पिलवाए. सोचना कैसा लाला, तुम नहीं चाहते कि कल को तुम्हारा जवान अपने पैरों पे खुद खड़ा हो? तुम ठीक कहते हो, पता नहीं क्यों हमारा आंख ऊपर पट्टी बन गया था. पोलियो टीम से अपने बच्चे ना छुपाए. पोलियो एक लाइलाज मर्ज है जो बच्चे को जिंदगी भर के लिए माजूर कर सकता है. सिर्फ पोलियो के कतरे वैक्सीन के जरिए ही पोलियो जैसे लाइलाज मर्ज से बचा जा सकता है. इसके अलावा बच्चों को दी गई हिफाजत के लिए भी जरूरत है.
अंबर आपकी दोस्त आपके पसंदीदा शो ब्रांड्स अनलिमिटेड में जी आज बात कर रहे हैं रंगों की दुनिया की। और रंगों की बात करते हैं तो किसी को लाल रंग पसंद है, किसी को पीला रंग पसंद है, हर किसी के अलग अलग पसंद है रंगों की। और बड़ी अजीब सी बात है कि इंसान का मूड जो है वो कभी कभी रंगों की तरह होता है। कभी उसको किसी दिन उसका दिल चाहता है कि आज वो पीला रंग पहने, अगले दिन चाहता है कि नहीं आज बिल्कुल ही सॉफ्ट कलर पहने। तो क्या वाकई ही मूड और रंगों में कोई लिंक है आपके मूड्स और रंगों में? काशिफ क्या कहते हैं आप? बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है ये। मैं आपको बताऊं, सब लोगों को, सुनने वालों को भी बताऊं कि कलर है ना इंसान की, ये रंग जो इंसान की साइकी से खेलते हैं और ये मूड से भी खेलते हैं। तो मैं अक्सर इनिशियल जब मैं किसी भी घर पे कभी ये कलर स्कीम्स के लिए जाता हूँ, उन्हें गाइड करने के लिए जाता हूँ, तो मैं नॉर्मली उन्हें गाइड करता हूँ। घर में पेरेंट्स भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, यंग जनरेशन भी होती है उनकी। एक नॉर्मली सब ने, हर किसी ने सुना होता है कि लाल कलर जो होता है ना वो एग्रेशन बढ़ाता है। अगर आप किसी छोटे से कमरे में लाल कलर करा देंगे और वो बंदा भी गुस्से वाला है तो और आग बगोला रहेगा सारा घर में। इसी तरीके से ब्लैक कलर जो होता है, काला कलर होता है, वो गमगीन कर देता है इंसान को, सैड कर देता है। येलो कलर आप, मैं अक्सर सजेस्ट करता हूँ कि अपने डाइनिंग रूम में स्पेशली येलो कलर कराएं, क्योंकि इस एपिटाइट बढ़ाता है, आपकी भूख बढ़ाता है ये येलो कलर। ग्रीन्स की तरफ आप जाते हैं अगर पेरेंट्स हैं, ओल्ड एज में हैं और आपको ज़रा कूल काम फ्रेश सा एनवायरनमेंट चाहिए तो आप ग्रीन्स की टोन्स पे जाएं। तो ये कलर भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे तो पूरे घर को एक ही रंग कराना चाहते हैं, क्या वो भी सही है? विच इज़ गुड। देखें जैसे जैसे ज़माना एडवांस हो रहा है ना और जिस तरीके से मीडिया का इम्पैक्ट है लोगों के घरों में, और नॉर्मली खवातीन ही कलर घर के चूज कर रही होती हैं क्योंकि मर्द हजरात तो बाहर अपना रोजगार के लिए निकले हुए हैं, वो सिर्फ पैसे देते हैं, उनका काम है। तो खवातीन जो है वो कलर्स के साथ खेलना भी पसंद करती हैं और वो टीवी भी देखना पसंद करती हैं। तो टीवी पे जब कलर्स आ रहे होते हैं ना तो उनको ये माइंडसेट होता है कि मैं दोनों एंगल आपको बताना चाह रहा हूँ कि रंग बरंगा घर कर देते हैं कुछ लोग ना, वो टीवी को देख के कर देते हैं। एक चीज ये बड़ी इम्पोर्टेंट है लोगों के लिए कि टीवी जब आप देखते हैं और उनके आपके सामने जो मल्टीपल रंगीन कलर्स के जो सेट्स आए हुए होते हैं वो ब्लिंक ऑफ आई के लिए आते हैं, वो पलक झपकते ही गायब हो जाती है वो स्क्रीन, वो अच्छा लगता है देखने को टीवी स्क्रीन पर। लेकिन अगर वो चीज आप अप्लाई कर लेंगे अपने घर के अंदर, वहाँ तो आपने रहना है सारा दिन, वहाँ आपने सारा दिन रहना है, आप बोलेंगे मैं कहाँ गोले गंडे में आ गया। ठीक है, सो ट्रू। एक कॉल लेते फिर अपने एक सवाल को कंटिन्यू करेंगे कि क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हमें चाहिए। तो जी सामने को। वालेकुम सलाम मैडम, क्या है? एक बात जी, एक बात साहब, कैसे हैं आप? दो दिन पहले आया था आपकी ऑफिस विजिट करने। जी जी बहुत शुक्रिया, बिल्कुल हम मुझे मालूम हुआ, बहुत बहुत मेहरबानी, बड़ी अच्छी मुलाकात हुई, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कोई सवाल करना चाहिए? हाँ, वो अच्छा, एक वो आपकी लिस्ट में ड्रीम वर्ल्ड है शामिल? अभी नहीं है। अच्छा ठीक है, मैंने कहा चल आपका नॉलेज में डालूं। ठीक है, राशिद साहब कैसे हैं? काशिफ, काशिफ साहब। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। मैं मैडम का प्रोग्राम ये वाला बहुत कम मिस करता हूं और मेरी कोशिश होती है कि क्योंकि मैं खुद मार्केटिंग का बंदा हूं, इंश्योरेंस का बंदा हूं। जी जी। अच्छा ये रंगो आपकी कंपनी का नाम जरा दो। हैप्पी लेक, हैप्पी लेक पेंट्स। हैप्पी लेक, हां हैप्पी लेक। आपकी एड भी आती है? जी 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 बिल्कुल, पिछले पूरे साल, इस साल पूरे साल हमारा तमाम चैनल्स के ऊपर ऐड चला है जिसमें दानिश नवाज हमें लीड कर रहे थे और हमारा एक मशहूर उसमें लाइन थी कि चूना नहीं पेंट लगाए। हाँ, अभी मेरे दिन में आया, असल में क्या है कि तो मेरा सवाल ये है कि जैसे मार्केट में तो और भी बहुत सारे ब्रांड है ना सर, जी तो एक तो ये क्वालिटी वाइज में छोटी सी बात ये कहनी थी कि पेंट्स वाले है ना वो टोकन डाल देते हैं ना,
तो ये कारीगर लोग बड़े लालची होते हैं, ये लोग वही पेंट कस्टमर को कहते हैं कि ये वाला लो ये नहीं लो, उनको पता है कि इसमें से टोकन निकलेगा, बेचारे कस्टमर को तो कुछ पता नहीं होता। अभी बिल्कुल बात करेंगे इस पे। थैंक यू सो मच आपका, बहुत शुक्रिया ताजा, बहुत ही अच्छे हमारे लिसनर्स हैं। अच्छा जी, पहले मैं चाह रही थी हम उस पे बात करें कि एक लेमैन को क्या बातें पता होनी चाहिए। आपने कहा था कि वो सबसे पहले मार्केट में जाया जाता है और कलर खरीद के ले आता है, यहाँ पर हमने ब्रेक से पहले बात रोकी थी। एक तो ये चीज़ हो गई, मेरा अपना सजेशन लोगों के लिए ये होगा कि वो थोड़ा सा बैकग्राउंड पे जब आप कलर करवाने जाते हैं, ये एक एक्सपेंसिव चीज़ है, जब आप कलर करवाने जाते हैं तो थोड़ा अपना बैकग्राउंड पर अपनी वर्किंग कर लें, और वो वर्किंग ये कर लें कि कलर्स के साथ खेलने के लिए ना सनलाइट का होना बड़ा ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आप ये देखें कि नॉर्मली आपका घर वेस्ट ओपन है, आपका घर ईस्ट ओपन है, आपके घर में कितना सनलाइट का इफेक्ट है या सनलाइट का इम्पेक्ट है ही नहीं। क्योंकि कराची की स्पेशली अगर मैं बात करूँ तो यहाँ फ्लैट सिस्टम ज़्यादा है, तो हार्डली कोई एक ही घर में सनलाइट का अमल दखल होता है, बाकी कमरों में सनलाइट का अमल दखल नहीं होता है। तो ये चीज़, क्योंकि सनलाइट अगर कहीं पर है तो वहाँ यू कैन प्ले विद द कलर्स, और अगर कोई डार्क रूम है आपका तो वहाँ आप लाइटर टोन की तरफ जाएंगे तो वो रूम आपको ज़्यादा स्पेशियस लगेगा। ये वर्किंग तो आप कर लें। थर्डली, मैं प्राउडली कह सकता हूँ कि हम लोगों ने, वी आर द ओनली कंपनी इन पाकिस्तान हु टुक दिस इनिशिएटिव। एक्चुअली ये इनिशिएटिव हम लोगों ने लिया बीइंग हैप्पी लेक पेंट्स, कि हमने एक टूल फ्री नंबर 08001978 डेवलप किया, और वहाँ वो सेंट्रलाइज सिस्टम है, वहाँ पे हमारी टीम और प्रोफेशनल टीम 24/7 अवेलेबल होती है, जहाँ आप लोग कॉल कर सकते हैं और वहाँ पर सारी टेक्निकलिटी पूछ सकते हैं, पेंट्स के बारे में पूछ सकते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। और फिर भी अगर आपको कंफ्यूजन हो तो वेयर एवर यू आर इन द पाकिस्तान, आप पाकिस्तान के किसी भी शहर में हैं, गांव में, गली में हैं, किसी भी इलाके में, आप एक कॉल करें, हमारा प्रोफेशनल नुमाइंदा, हमारी प्रोफेशनल टीम आपके घर पर विजिट करेगी। घर पर विजिट करने के बाद वो आपको तमाम चीज़ों के बारे में गाइडलाइन करेगी। एक कॉल सुनते जी। और आज आपने जो है ना अच्छी तरफ हमारा रुझान कर दिया कलर के नाम लेके ना, तो मेरा दिल गार्डन गार्डन का दिल चाह रहा है कि कहीं नर्सरी पे जाऊं और पनीरी और फ्लॉक्स और गेंदे के कुछ कलर ले आऊं। अच्छा, तो ये वाला ना, ये वाला हैप्पी लेक पेंट है, ये रंगों की बात कर रहे हो ना? मैं समझ गया हूँ, मैं वही आ रहा हूँ और आपकी बात के ऊपर कह रहा था। अच्छा, ही है काशिफ साहब को हम शो में बखैर राग ली, हर कलर अच्छा है, वेलकम कहते हैं। शुक्रिया सर। काशिफ साहब, जैसे हम लोग फ्रेंचाइज पे जाते हैं ना जी, और वहाँ हम कलर की डिमांड करते हैं कि जी हमें फना कंपनी का फना कलर दे दे, वो हमें उस बात को रिजेक्ट करते हुए वो हमें दूसरे कलर या दूसरे ब्रांड का उठा के दे, नहीं जी आप ये यूज करें, ये ज्यादा बेहतर है, उसमें ये उसमें ये। आपकी अपनी अलग से फ्रेंचाइज है जिसमें ए टू जेड मतलब आपकी कंपनी का मटेरियल मिलता हो, या ठीक है, आप अगर सिर्फ हैप्पी लेक ही खरीदना चाहें, बिल्कुल अभी काशिफ बिल्कुल बताएंगे कि कितनी आउटलेट्स हैं कराची में, कहाँ हैं, बिल्कुल अभी बताएंगे। इसकी कॉस्ट भी बता दीजिए, अगर 120 गज का 3 मरहला घर हो तो उस पर कितनी लागत आ जाएगी, जो बिल्कुल कारा काम हो, उस पर कोई भी अभी सिस्टम शुरू नहीं हुआ। ओके जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल करने का, अच्छे से सवाल था। अच्छा, मैं दोनों जो कॉलर्स थे उनके एक ही बात ही, उसका मैं एक जवाब दे देता हूँ कि अगर कोई भी शख्स एक मैंगो मैन, एक आम आदमी कलर खरीदने जाता है, तो देखें सबके लिए जानना ज़रूरी है कि पैसे दे के अच्छी चीज़ महंगी खरीदना कोई फ़न नहीं है, ठीक है। मज़ा इस चीज़ में है, और अच्छी परचेजिंग हम उस चीज़ को कहते हैं कि एक अफोर्डेबल प्राइस पे मिले, एक इकोनॉमिकल प्राइस पे मिले, और एक बेहतरीन क्वालिटी मिले। जो हैप्पी लेक पेंट्स, हमारा सबसे अच्छी एंड प्राइम चीज़ ये है कि भी हमारा कोई सेकंड ब्रांड नहीं है, ठीक है, हमारी एक ही क्वालिटी आती है, हमारी प्राइम क्वालिटी है, और सबसे ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस पे हम लोग अवेलेबल हैं, ठीक है। सेकेंडली, वी आर ऑल अवे इन द एरिया ऑफ कराची, हम लोग हर जगह कराची में मौजूद हैं। फिर भी अगर आपको 08001978 पे कॉल करें, विच इज़ आर टूल फ्री नंबर,
वो आपको हमारी फ्रेंचाइज लोकेट करेंगी बकायदा, वहाँ पे हमारी सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी और आप उस नंबर पे कॉल करके तमाम गाइडलाइन ले सकते हैं कि आप लोगों ने क्या कलर करवाना चाहिए, आपका घर कितना बड़ा है, कितना बजट कितना है, कौन सी प्रोडक्ट आप यूज़ करना चाह रहे हैं, कौन सी प्रोडक्ट आपको यूज़ करनी चाहिए, पैसे कितने लगेंगे, उसकी कवरिंग में कितने गैलन्स लगेंगे, कितने ड्रम्स लगेंगे, क्या प्राइमर लगेगा, क्या फिलिंग लगेगी, वो तमाम चीज़ें वो आप लोगों को प्रॉपर गाइड करेंगे। आप हमारे 08000 1978 के नंबर पे कॉल करें एंड यू कैन हैव द गाइडेंस फ्रीली। अच्छा काशिम, ये बता दीजिएगा कि कराची के अलावा जैसे आपने कहा ना इंटीरियर, क्योंकि बहुत सारे लिस्टर्स हमारे ऐसे भी हैं जो इंटीरियर में भी इस वक्त सुन रहे हैं आपका शो। देखिए इंटीरियर के लिए इत्तेफाक से मैं पिछले हफ्ते इंटीरियर ही गया हुआ था विजिट पे अपनी मार्केट विजिट करने के लिए, तो इंटीरियर के लिए आप नाम लें किसी भी जगह का, आप नगर पार्कर से शुरू हो, डिप्लो, आप मिट्टी, आप इस्लाम कोट जाएं, आप मीरपुर खास जाएं, आप बदीन, आप ठट्टा, आप हैदराबाद, सखर, कंडियारो, ईच एंड एवरी टाउन ऑफ इंटीरियर सिटी, हर टाउन हर गोट में हैप्पी अवेलेबल और बड़ा स्ट्रांगली अवेलेबल है। वहाँ पे हमारी ब्रांडिंग भी बड़ी स्ट्रांगली है, कराची में भी है, एवरीवेयर इन पाकिस्तान। आप वहाँ पे जाएं, आप 08000 1978 पे कॉल करेंगे। मैंने आपको शुरू में जैसे मैंने अर्लियर भी ये जिक्र किया कि आप जब 08000 पे कॉल करेंगे, 1978 08000 1978 पे कॉल करेंगे, तो आप कराची में या पाकिस्तान के किसी भी गाँव में हैं, शहर में हैं, किसी भी गली और किसी भी मोहल्ले में, कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं है। आप कॉल करें, वहाँ आपके घर पे हमारी प्रोफेशनल टीम आएगी, वहाँ से भी आपको गाइडलाइन मिलेगी, घर पे भी प्रोफेशनल आपकी टीम आएगी और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको गाइड करके जाएगी। ठीक है, कॉल डिस्कनेक्ट होगी। सामीन, हमारे पास एक टाइम चेक भी है, काशिफ, हम टाइम चेक है, हमारे पास इश्तहार आती है, तो ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। और सामीन, आप हमेशा की तरह हमें अगर फेसबुक पेज पे भी किसी और शहर में आप मौजूद हैं, मुल्क से बाहर मौजूद हैं, आप अगर आप हमें सुनना चाहते हैं तो आप हमारे अपने मोबाइल पे ऐप डाउनलोड करके भी सुन सकते हैं। फेसबुक पे www.fb.com/hotfm105 पे जाइए, वहाँ आप पेज को लाइक कीजिए, वहाँ आप लाइव देख भी सकते हैं, अपने सवालात वहाँ भी भेज सकते हैं। अगर आपके पास इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है तो अपने मोबाइल के मैसेज ऑप्शन पे जाइए, HOT हॉट लिखिए, स्पेस दीजिए, अपना पैगाम लिखिए और भेज दीजिए हमें 8881 के ऊपर। हमारे साथ ही रहिए, टाइम चेक लेते हैं और उसके बाद वापस आते हैं। स्टे ट्यून्ड विद अस। नहीं, मुझे कोई बुरी नहीं लगी, लेकिन Call मुझे लग गया था फैजान आपको मैसेज कर रहा है, तो कॉल से ही कह रहा है। अच्छा, आठ आठ ही अंबर, आपकी दोस्त, आपके पसंदीदा शो ब्रांड्स अनलिमिटेड में। सामीन, आज हमारे साथ मोहम्मद काशिफ खान मौजूद हैं, रीजनल सेल्स मैनेजर साउथ हैप्पी लेक पेंट्स।
सामिन आप हमारा शो लाइव देख सकते हैं, सुन भी सकते हैं फेसबुक पेज पर, और मैसेज भी हमें वहाँ भेज सकते हैं 8881 के ऊपर। अच्छा काशिफ, मैं चाहूँगी कि हमारे सामिन को ये बताइए कि टेक्सचर पेंट और जो सिंपल पेंट होता है, वैसे बहुत सारे जो आम तौर पर जो पेंट इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे टेक्सचर पेंट है, डिस्टेम्पर है, आपका वॉशेबल पेंट है, ऑयल पेंट्स है, अच्छा ये हमें कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं और इसमें क्या फ़र्क होता है, थोड़ी सी मैं भी अपनी नॉलेज गेन करना चाहती हूँ इसमें। अच्छा ये बड़ा ज़बरदस्त सवाल है, और इसके बारे में मैं आपको अगेन ब्रीफली थोड़ा सा बता दूँ कि जैसे जैसे ज़माना और जदीद होता जा रहा है, मॉडर्नाइज होता जा रहा है, एडवांस होता, पहले किसी ज़माने में चूने लगते थे घर पे, ठीक है, उसके बाद आपने देखा होगा हमारे बचपन में भी, और लोगों ने भी देखा होगा, एक्सपीरियंस भी किया होगा कि घरों पे कमरों की दीवारों पे बॉर्डर्स लगाए जाते थे ग्लास इनेमल के, ऑयल पेंट के, और ऊपर डिस्टेम्पर कर दिया जाता था। ग्लास इनेमल नीचे चार चार फुट का, तीन तीन फिट का बॉर्डर जो लगाया जाता था, वो इसलिए लगाया जाता था कि अगर उस पर दाग धब्बे लग जाएँ तो वो साफ़ हो सके। उसके अंदर थोड़ी स्मेल होती थी, आंखों में चुभता था, लोगों ने हॉस्पिटल्स में अभी भी वही होता है, और सीढ़ियों के स्टेप्स पे अक्सर लोग अभी भी हॉस्पिटल्स की वही कराते हैं क्योंकि हाथों से लोग निशानात लगा देते हैं। ज़माना थोड़ा सा मॉडर्न हुआ तो कंपनीज ने एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ करके मैट इनेमल करवाया जो कि हाईली वॉशेबल होता है, जिसमें केरोसिन ऑयल मिक्स होता है, वो अप्लाई होता है, उसके नाम से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो मैट इनेमल होता है, तो वो उसमें अंदर शीन नहीं होती है, तो उसके अंदर इतनी आँखों में चुभन नहीं होती है, वो आया। फिर उसके बाद अब और ज़्यादा मज़ीद ज़माना एडवांस हो गया है तो वाटर बेस्ड मैट आ गया है। अच्छा वाटर बेस्ड मैट में कंपनीज ने ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ की कि वो मैट इनेमल लोग अपने घरों पर इसलिए कराते थे, मैट भी वॉशेबल होता है, वो ऑयल बेस्ड होता है। अब मैं एडवांस और वाटर मैट को वाटर बेस वाटर मैट को इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैट इनेमल के ड्राइंग टाइम में फ़र्क होता है, ये सूखने का जो टाइम होता है, क्योंकि मैट इनेमल जब एक घर में कोई भी अप्लाई कर रहा होता है तो पेंट का जब एक कोट लग जाता है तो मैट इनेमल को सूखने के लिए, री कोट के लिए ओवरनाइट ड्राइंग टाइम चाहिए होता है, उससे पहले आप कर नहीं सकते, तो आपकी कॉस्ट और आपका टाइम दोनों इंक्रीज हो जाता है। एक दीवार को करने के लिए 2 से 3 दिन चाहिए होते हैं, या एक रूम को करने के लिए, रीकोट करने के लिए नेक्स्ट डे चाहिए होता है, तो लोगों के पास टाइम भी कम है। अच्छा मैं रीकोट पे एक सवाल करना चाहती हूँ, जब पेंट कराते हैं, ठीक है, तो मेरी अम्मा बहुत मैं एक चीज पे एम्फेसिस करती थी, तुम पहले रगड़ाई करो उसको ना, तो क्या वो जरूरी है, उसी पेंट के ऊपर पेंट करना आसान नहीं होता, बजाय उसको पूरा पहले साफ किया जाए। देखें बेस है ना, जब आप कोई घर बनाते हैं ना, इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे दूंगा कि अगर आप बुनियाद उसकी मजबूत नहीं करेंगे ना तो ऊपर कितना ही अच्छा कुछ कर लें वो नीचे गिर जाना है। इसी तरीके से पेंट के लिए भी ये ज़रूरी होता है कि आप उसकी बेस मजबूत करें, आपने कलर करवाने से पहले उसकी बेस मजबूत करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप तो नया घर बनाया है तो आपकी दीवार सीमेंटेड वॉल होगी, कोरी दीवार होगी जिस पर सीमेंट हुई भी होगी। अच्छा सीमेंट की खास बात है, जब आप उस पर कलर अप्लाई करेंगे ना तो वो चूज कर लेगा, ठीक है, उसके लिए सरफेस प्रिपरेशन ज़रूरी होती है जो कि जिसकी गाइडलाइन हम भी अपनी टीम को, तो हमारी टीम को तो हम प्रोफेशनली स्किल्ड करते हैं इस बारे में कि वो लोगों को जाके बताएं, और पेंटर्स जो कि हमारे पेंट को अप्लाई करते हैं उन्हें भी हम वक्तन फवक्तन अड्डा एक्टिविटीज़ के ज़रिए और फर्दर एक्टिविटीज़ के ज़रिए हम लोग उनको भी गाइड करते रहते हैं। तो दीवार पे आपने सरफेस प्रिपरेशन ज़रूरी है, आपने फिलिंग करनी है उसके पोर्स भरने के लिए, उसको स्मूथ करने के लिए। अच्छा प्राइमर यूज़ होता है, आप प्राइमर का एक कोट यूँ लगाते हैं कि वो सीमेंटेड वॉल की चूस को ख़त्म कर देता है, प्राइमर बेसिकली सीलर होता है, ठीक है। अच्छा पहले ऑयल बेस्ड प्राइमर यूज़ होता था सिर्फ, फिर और मॉडर्नाइज ज़माना हुआ टू सेव द टाइम वाटर बेस्ड प्राइमर भी आ गया। प्राइमर का काम है सीलर का, सील कर देता है वो सीमेंटेड वॉल को, यानी फिनिश लुक देने के लिए कि भाई हमारा पेंट साफ सुथरा लगे। नहीं नहीं, सिर्फ सिर्फ दीवार की चूस ख़त्म कर देता है, फिर उसके बाद उसकी सैंडविच सिस्टम के साथ प्रिपरेशन होती है। प्रोफेशनल लैंग्वेज में हम लोग इसको सैंडविच सिस्टम कहते हैं कि आपने प्राइमर अप्लाई किया, फिर उसके ऊपर फिलिंग कर दी, फिलिंग जब हो जाती है उसके ऊपर एक दोबारा पतला कोट आपने प्राइमर का लगा दिया, तो ये सैंडविच बन जाता है और आपकी सरफेस की बेस मुकम्मल हो जाती है,
फिर आप अप्लाई कर लें अपना जो प्रीमियम क्वालिटी का पेंट होता है, तो एक वो हमेशा के लिए आपकी बेस मजबूत हो गई है, तो वो ज़रूरी होता है। और ड्राइंग टाइम तो बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आपने गीले कोट के ऊपर दोबारा रीपेंट कर दिया तो वो ख़राब हो जाएगा सारा। तो किसी भी पेंट के लिए, चाहे वो मैट इनेमल हो, चाहे वो वॉशेबल हो, चाहे वो वाटर बेस्ड मैट हो, उसके लिए ड्राइंग टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, मिक्सिंग रेशियो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है उसकी ओपेसिटी के लिए, उसकी कवरिंग एरिया के लिए, मिक्सिंग कितनी जैसे कंपनी कह रही है वैसे आप मिक्सिंग कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ग्लॉस इनेमल नॉर्मली लोग दरवाजों खिड़कियों पर भी यूज़ करते हैं, मेटल पर भी यूज़ करते हैं, वो भी वॉशेबल होता है। तो ये तमाम चीज़ें यूज़ होती हैं इस इन तमाम प्रोडक्ट्स के हवाले से। लोगों के ये जानना ज़रूरी है कि सरफेस प्रिपरेशन, जैसे आपका भी सवाल था, वो भी ज़रूरी है। और वॉशेबल आपने एक और जिक्र किया टेक्सचर पेंट, मैं उसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि प्लेन पेंट और टेक्सचर भी एक पेंट ही है, ठीक है। टेक्सचर बेसिकली उसकी फिनिश का नाम है, प्लेन पेंट की फिनिश प्लेन आती है। अच्छा, देखा होगा आपने, लोगों ने वॉलपेपर्स भी यूज किए घरों पर, कोई भी एक दीवार, एक दीवार पे वो बेसिकली आपकी मेन वॉल हो जाती है, हाइलाइटेड वॉल जिसे हम कहते हैं। बास लोग वो उस पे डार्क कलर्स, कोई भी प्रोमिनेंट कलर प्लेन पेंट का भी करवा लेते हैं। पहले ये चीज़ नहीं थी, जैसे जैसे ज़माना एडवांस हुआ, हम लोग पायनियर्स हैं इसमें भी, टेक्सचर में भी, हमारे पास टेक्सचर फिनिश भी है, तो वो एक टेक्सचर वॉल हो जाती है, वो आपके रूम की हाइलाइटेड वॉल हो जाती है। वो मैं आपको शुरू में मैंने जिक्र किया ना कि जैसे जैसे ज़माना एडवांस हुआ, मीडिया का इतना इम्पैक्ट है, टीवी इतना देखा जाता है और इतना, और फिर जब मीडिया, ये सोशल नेटवर्क जितना दुनिया को करीब ले आया है ना, तो लोगों ने देखा कि आर्किटेक्चर कैसे करते हैं लोग ना, आर्किटेक्ट की बड़ी इन्वॉल्वमेंट होती है, तो वो लोग गाइड करते हैं, वो आपके घर को, आपके घर की खूबसूरती को आया करता है, वो और ज्यादा निखार देता है। एक कोरा घर है, आप उसमें रंगों से उसको दुल्हन बना सकते हैं, बस सिंपल सी बात ये, खूबसूरत सी बात है। बिल्कुल जी, किसी चीज को जिंदगी देनी है तो रंग दे दो और वो चीज खूबसूरत लगने लगती है। बिल्कुल। और अच्छा, जब हम टेक्सचर पेंट की बात करते हैं तो आजकल तो बिल्कुल इतना है कि लोगों ने वॉलपेपर्स छोड़ दिए, अब एक ही कोई किसी अपनी दीवार को हाईलाइट करना है तो उसको टेक्सचर कर लेते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक कॉल शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। जी मकसूद साहब जो आए हमारे, वो जी वालेकुम भाई। सर मेरा दो सवाल है आपसे। पहला सवाल ये, बात जगह में ऐसा था नंग क्या जमीन होता है और उससे जितनी भी और पेंट मेरे तो झंडे लगता है, जमीन नंग क्या होता है उसकी वजह झंडे लगता है। दूसरा ये मेरा सवाल है कि आप ऑफिस या दुकान कहाँ के, वहाँ पर मैं जाके मालूम कर लूँ क्या मसला। अच्छा, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, मैं आपको बता दूँ, ये नमकियात बेसिकली उससे सीपेज डेवलप होती है ना। बड़ा सिंपल सा मानना है मेरा, बहुत सारे मुख्तलिफ सोल्यूशन होते हैं लेकिन इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, मैं आपको बता दूँ, ठीक है। ये सीपेज से जब कंस्ट्रक्शन क्वालिटी एग्जैक्टली वो उसकी बेस, उसकी बुनियाद आपने ख़त्म करनी है, जहाँ भी ये चीज़ है उसकी बुनियाद ख़त्म करनी है। अदरवाइज आप दुनिया भर के पेंट लगा लें, उस चीज ने चिप ऑफ हो ही जाना है। तो ये चीज तो बड़ी क्लैरिटी के साथ मैं अपने दोस्तों को, अपने लिसनर्स को ये बता दूं, ज्यादा से ज्यादा ये इंफॉर्मेशन जहां जहां तक जा सकती है पहुंचा दूं कि अगर नमकियात है या सीपेज है तो देयर इज नो परमानेंट सॉल्यूशन, कोई परमानेंट इसका सॉल्यूशन नहीं है, अनटिल एंड अनलेस जब तक आप उसको, उसकी सोर्स खत्म ना कर दें, उस नमकियात की, उस सीपेज की सोर्स खत्म ना कर दें, आप उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। सेकंडली, हमारा ऑफिस कोरंगी में, इसका बड़ा आसान तरीका है, मैं आपको ऐसे यहाँ से लोकेट करूँ, आप हमारे 08001978 के नंबर पे कॉल करें, वो आपको लोकेट कर देंगे और आपको ज़्यादा आसानी हो जाएगी सर। थैंक यू वेरी मच। अच्छा काशिफ, जब हम बात करते हैं पेंट टेक्निक्स की, ठीक है, हम देखते हैं कि हमारे घरों में, हम पे सबसे, हमने चले पेंट तो चूज कर लिया, लेकिन फिर हम ये भी ढूंढते हैं कि यार पेंट करने वाला भी बड़ा स्किलफुल होना चाहिए कि पेंट बिल्कुल एक ही लेवल पे हो, उसको रगड़ाई करने आती हो, सब कुछ जैसे जैसे आपने मिक्सिंग सही आती हो, ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट अमल होता है। पेंट तो आप ले आते हैं लेकिन किसी ने रंग तो मौजूद है, पेंटिंग ही खूबसूरत नहीं बनाई तो फिर क्या फ़ायदा। Exactly. तो
इस पर कैसे आप लोग काम करते हैं, क्योंकि देखें आपका पेंट इस वक्त नेशनल लेवल पे आप लोग काम करें, तो क्या जो पेंटिंग टेक्निक्स होती हैं उस पर क्या लेटेस्ट क्या है, किस तरह आप अपने वर्कर्स को ट्रेन करते हैं, और क्या आप अपने क्लाइंट को भी रिकमेंड करते हैं कि आप इनसे ही कराएं, वरना तो हमारे मोहल्ले गली में जो भी हम सुनते हैं जी दोस्त कह देते हैं जी मैंने इनसे पेंट कराया, चलो जी इससे पेंट कराओ। देखिए एक तो ये चीज़ हो जाती है ना कि वो वर्ड ऑफ माउथ जिसे आप कहते हैं, जैसे आपने कहा कि मैंने एक मेरे पड़ोसी ने अगर किसी से कलर करवाया है और उसने अच्छा किया है तो वो मुझे रिकमेंड कर देगा। सेकंडली हमारे हम भी पेंटर्स को भी ट्रेंड करते हैं, मैंने जैसे शुरू में बताया थ्रू अड्डा एक्टिविटीज़, आपने देखा होगा आप शहर में जाती हैं तो मुख्तलिफ ब्रिजेस के नीचे पेंटर्स बैठे हुए होते हैं, ठीक है, हम लोग उनको वीकली या मंथली बेसिस पे एक मार्केट चूज़ करके वहाँ पे हमारी प्रोफेशनल टीम पूरी विजिट करके उन्हें अपनी प्रोडक्ट्स के बारे में गाइड करती हैं, उन्हें सरफेस प्रिपरेशन के बारे में गाइड करती हैं, मिक्सिंग रेशो के बारे में गाइड करती हैं, ड्राइंग टाइम के लिए गाइड करती हैं, कैसे अप्लाई करना चाहिए, ब्रश से कैसे यूज़ करना चाहिए ना, अब तो रोलर्स आ गए हैं जैसे आपने कहा, टेक्निक्स आ गई हैं, मशीन गन्स आ गई हैं जिनसे स्प्रे पेंट्स होता है, उनके हवाले से उनको गाइड करते हैं। और इसी तरीके से हमारी जो टीम होती है, जो हमारे अपने एम्प्लॉयज़ होते हैं, उन्हें हम इंटरनली ऑफिस के अंदर हमारी मल्टीपल किस्म की वक्तन फवक्तन ट्रेनिंग्स हमारी होती रहती हैं, हमसे अप्लाई भी किया जाता है, हमसे सैंपल्स भी लगवाए जाते हैं, हमें BBT टेस्ट भी करवाया जाता है, बेस्ट बाय टेस्ट भी करवाया जाता है, हमें ब्लाइंड भी टेस्ट करवाया जाता है कि कौन सी प्रोडक्ट अच्छी है, और अगर अच्छी नहीं है तो उसकी खामियां भी बताई जाती हैं। तो हमारी जैसे मैंने आपको कहा कि जो भी अगर शख्स को किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन है तो वो एक तो हमारे 08000 1978 नंबर पर, उसी तरफ मैं आ रहा हूँ कि अगर आपको मेरे पास से कोई टीम मंगवानी है, देखें सबसे पहले तो आप कॉल करेंगे, वो आप उन्हें लोकेट करेंगे कि आप कहाँ पर हैं, ठीक है, वो हमारी प्रोफेशनल टीम उस इलाके की भेज देगा, और फिर जो हमारा वहाँ का प्रोफेशनल बंदा आपके पास आएगा, ऑब्वियसली उसके पास एक पेंटर्स नेटवर्क होता है, उसको पता होता है कि कौन सा अच्छा पेंटर है जो कि ईमानदार पेंटर है, अच्छा पेंटर है, वो काम अच्छा करता है, ईमानदारी से करता है, उसको काम है, ये उसको स्किलफुल है, वो आपको रिकमेंड करता है। इसमें रिकमेंडेशन हमारी तरफ से हो सकती है कि आप ये ऑप्शंस हम दे देते हैं, क्योंकि इसमें फिर ओनरशिप की बात आ जाती है, उससे आपने पैसों का तय करना होता है, वो उस बीच में हम लोग कभी भी नहीं आते, वो ओनर और पेंटर और कॉन्ट्रेक्टर के दरमियान की बात होती है, लेकिन हम लोग रिकमेंडेशन अच्छे पेंटर जरूर कर देते हैं जो हमारे साथ ट्रेंड होते हैं, बिल्कुल वो हम कर देते हैं। बिल्कुल सामीन, हमारे पास एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक है, अभी भी हमारे पास 15 मिनट है, और आप हमें कोई मैसेज भेजना चाहें तो 888-1 पर भी मैसेज भेज सकते हैं, अपने मोबाइल के मैसेज ऑप्शन पर जाइए, हॉट लिखिए, HOT स्पेस दीजिए, पैगाम लिखिए और 888-1 पर भेज दीजिए। स्टे ट्यून्ड विद अस। Thank you.
ऑनलाइन ऑर्डर की बात कर रहे हैं, प्रोडक्ट कौन कौन से हैं? कोई प्रोडक्ट हमें चाहिए तो आपके यहाँ हम ऑनलाइन ऑर्डर देते हैं। हाँ और सोशल मीडिया की इम्पोर्टेंस भी पड़ रही है, बात बात करते हैं ऑनलाइन शॉपिंग बड़ी है। अंबर आपकी दोस्त, आपके पसंदीदा शो ब्रांड्स अनलिमिटेड में, और सामीन आज हमारे साथ मोहम्मद काशिफ खान मौजूद हैं, रीजनल सेल्स मैनेजर साउथ हैप्पी लेक पेंट्स। और सामीन आज तो मुझे भी बहुत सारी बातें पता चली कि जी जब आपको पेंट करना है तो क्या क्या ज़रूरी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, और बिल्कुल सही बात है कि आप काशिफ आपकी बात बहुत अच्छी थी कि जब आप टीवी पे किसी चीज़ को देख रहे हो तो ये बड़ी अहम सी बात है कि आपको ड्रामों के सेट में तो वो कलर्स अच्छे लगते हैं लेकिन थोड़ी देर के बाद वो सारे डिफरेंट डिज़ाइन आ रहा होता है तो आपको सब फैसिनेट कर रहा होता है, लेकिन वही चीज़ आप अपने घर पर प्रैक्टिकली नहीं अप्लाई कर सकते, ये बड़ी अहम बात है। अच्छा मैं काशिफ इसके साथ जाना चाहूँगी, हम जब बात करते हैं शॉपिंग की तो हमने आपका प्रोडक्ट लेना, आजकल का वक्त इतना कम है लोगों के पास कि अब तो लोगों को पता है कि जी हैप्पी लेक पेंट है तो सोचने की जरूरत नहीं है कि क्वालिटी चेक करनी है कि नहीं, ठीक है। ब्रांड ने अपना एक ट्रस्ट आपको बता दिया है कि जी हम ये और यही क्वालिटी आएगी। ये ट्रस्ट मैं कहूँगी कि 2 साल में कोविड के इस अरसे में लोगों ब्रांड ने अपना ट्रस्ट बहुत मजबूत किया। पूरी दुनिया में तो ऑलरेडी ऑनलाइन शॉपिंग होती थी, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान में जब तक हम फिजिकली चीज़ को महसूस करके नहीं खरीदे लोगों को मज़ा नहीं आता था। तो आपकी हम अगर कोई भी प्रोडक्ट लेना चाहें तो क्या फिज़िकल जाने से बेहतर हम क्या ऑनलाइन खरीद सकते हैं? जी बिल्कुल अंबर, और तमाम जितने भी लिसनर्स हैं मैं उनको ये ख़ास तौर पर बताना चाहूँगा कि देखें एक लेगेसी होती है किसी भी प्रोडक्ट की ना, और ये लेगेसी इतनी आसान नहीं होती, ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है, बड़े लंबे अरसे में बनती है, और ये 40 साल की मेहनत है हैप्पी लेक पेंट्स की, कार्लसबैंग इंडस्ट्री की। अब जब ड्यूरिंग कोविड आया तो मैंने जैसे भी अर्लियर जिक्र किया कि हम लोगों ने सेंट्रलाइजिंग सिस्टम बनाया और हमारी प्रोफेशनल टीम वहाँ पर बैठी, और लोगों को चूँकि बाहर नहीं निकला जा सकता था और कोविड की वजह से बड़ी परेशानी थी आम लोगों में, जैसे जैसे कोविड का थोड़ा माहौल स्लो हुआ, थोड़ी सी गिरफ्त स्लो हुई, लोगों को आमदन की इजाज़त हुई, लेकिन फिर भी लोग मार्केट्स जाने से घबराते थे, और लेकिन लोगों की ज़रूरत तो है, पेंट लगाना कहीं पे शादी है, कहीं पे कुछ है, क्या कुछ भी मामला हो सकते हैं, पेंट की ज़रूरत होती है, बिल्डिंग्स के काम रुके हुए हैं, तो हम लोगों ने ऑनलाइन सिस्टम स्टार्ट किया। हमारी क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइज़ है ही नहीं, यही हमारा मेन हमारी स्ट्रेटजी होती है कि हम क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। तो जब हम लोगों ने ये लोगों को हमारे प्रोडक्ट का पता भी है, एज़ यू सेड, कि उस पर अब ये नहीं देखना कि क्वालिटी कैसी होगी, उनको पता हैप्पी लेक पेंट से तो अच्छी क्वालिटी होगी, तो हम लोगों ने ऑनलाइन सिस्टम स्टार्ट किया। हमारी वेबसाइट happylakepaints.com पे कोई भी जाके विजिट कर सकता है, हमारी कोई भी प्रोडक्ट चूज़ कर सकता है, चाहे वो वाटर बेस्ड मैट हो, वाइप आउट के नाम से जो हमारा प्रोडक्ट है, हमारा प्लास्टिक इमल्शन हो, हमारा मैट इनेमल हो, या आपका वेदर गार्ड हो, हमारा किसी भी एक्सटीरियर की प्रोडक्ट हो या वुड की प्रोडक्ट हो, आपको इंडस्ट्रियल कोटिंग्स के लिए कुछ चाहिए, आपको रोड मार्किंग के लिए कुछ चाहिए, किसी भी चीज़ के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, आप हमें ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, और अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो रही है, आप हमारे मैंने बार बार मैं इस चीज़ का जिक्र कर रहा हूँ जस्ट टू पीपल नो अबाउट दिस, 08001978 पे कॉल करके आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि आप कैसे ऑनलाइन ऑर्डर करके अपने घर पे आपको वो चीज़ रेडीली अवेलेबल होगी एज पर योर रिक्वायरमेंट। कॉल लेते हैं जी, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम, मैं मिस्टर बिलाल बोल रही हूँ जी। मुझे ये पता करना था कि जैसे डिस्टेम्पर होता है तो वो तो सैंड पेपर से रगड़ के साफ कर दिया जाता है, नया हो जाता है, लेकिन जो पेंट वाली जगह होती है एनामल वाली, उसके लिए क्या करना होता है? मुझे दोबारा थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा, आपने कहा डिस्टेम्पर को साफ कर दिया जाता है, जब नया पेंट करना हो, दोबारा हमें करवाना हो, जी जी, तो वो तो डिस्टेम्पर को सैंड पेपर से रगड़ के साफ कर देते हैं, फिर फिलिंग वगैरह करते हैं, लेकिन जहाँ इनेमल हुआ हुआ होता है या ऑयल पेंट हुआ हुआ होता है, उसका क्या होता है? जी ठीक है, मैं आपको समझा रहा हूँ। बहुत अच्छा सवाल है, सब लोगों के लिए ये है कि उन्होंने खुद नहीं कहा कि डिस्टेम्पर होता है तो हम लोग उसको रगड़ के साफ कर देते हैं, और अगर मैट इनेमल हुआ हुआ हो, देखिए अब अगर आपको मैट इनेमल भी करवाना है या वाटर बेस्ड मैट भी करवाना है, तो इसके लिए अगेन सरफेस प्रिपरेशन होती है, ठीक है, उसको रफ किया जाता है, उसको
बाकायदा रगड़ के उसको साफ किया, चाहे ऑयल हो चाहे वॉशेबल हो, जब आपने उसकी सरफेस को ना उसके, क्योंकि वो जो आपका जो भी पेंट हुआ हुआ है वो दीवार के साथ चिपका हुआ है इस वक्त, तो दीवार के पोर्स को खोलना पड़ता है ताकि जब आप नया पेंट अप्लाई करें उसकी फिल्म जो होती है वो दीवार के पोर्स में घुस जाए, वो अच्छे तरीके से दीवार को पकड़ ले, अब्सॉर्ब कर ले और मजबूत हो जाए। तो उसके लिए आपको सरफेस प्रिपरेशन जरूरी होती है, आपने उसको रेगमाल से अच्छे तरीके से रफ करवाना है उस सरफेस को, रफ करवाना है उस सरफेस को, फिर जहाँ जहाँ कोई अगर कोई खड्डा है या कुछ भी है सुराख है तो उसको फिलिंग से फिल करवाना है और उस पर एक पतला सा कोट प्राइमर का लगा देना है। प्राइमर के कोट से होगा ये कि आपकी सरफेस बेस्ट प्रिपेयर हो जाएगी और वो पुराना वाला नीचे गया। अब उसके ऊपर आपने जो प्रीमियम क्वालिटी का पेंट कराना है एक्रिलिक का वो आप करवाना है, वो आपको इजीली कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा एक और सवाल है कि जैसे समझे मेरे घर में वॉशेबल पेंट है, बहुत बहुत सारे लोग होते हैं जो हर साल भी पेंट करवाते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग इनके घर में वॉशेबल पेंट है और उसको वो साफ करवा लेते हैं और फिर वो सालों साल भी चलता है, चार पाँच साल भी निकल जाते हैं, तो एक वॉशेबल पेंट को साफ करने के लिए घर में क्या इस्तेमाल करना चाहिए? बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं डिटर्जेंट डालो, उसके अंदर तो अपने केमिकल्स होते हैं, कहीं वो रंग को खराब तो नहीं कर देते? कुछ ऐसा तरीका है जो हमारे सामने को बता सकते? देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं, हमारा एक प्रोडक्ट है वाइप आउट, ठीक है, ये हमारा वाटर बेस्ड प्रीमियम पेंट है, मैट है, मैट है, वाटर बेस्ड मैट है। अच्छा इसके अंदर हमने स्पेशल किस्म का बाइंडर यूज़ किया हुआ है। आप नॉर्मल कभी भी कोई भी वाटर बेस्ड मैट दीवार पे लगा हुआ देखेंगे ना, और आप उस पर यूँ पानी फेंकेंगे हाथ से तो वो पानी बिल्कुल लाइन की सूरत में नीचे आएगा, लेकिन आप वाइप आउट की ऐसी क्वालिटी है कि ये बिल्कुल भी एब्जॉर्ब नहीं करने देता, ये बीड्स बन के नीचे आता है, दाना बन बन के यूँ यूँ रोल होकर नीचे गिर रहा होता है पानी, ये पानी दीवार में घुसने ही नहीं देता, ठीक है। इसके अंदर इतनी स्पेशल क्वालिटी का बाइंडर, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है बाइंडर, जितने भी इंग्रेडिएंट्स पेंट बनाने में यूज़ होते हैं वो बड़े स्पेशली हम यूज़ करते हैं, खासतौर पे हमारी प्रीमियम प्रोडक्ट्स होती हैं सारी। अब आपने वॉशेबल का जिक्र किया, तो वॉशेबल में अगर कोई दाग लग जाता है तो उसका बड़ा आसान तरीका है, आप थोड़ा सा सर्फ में जो भी आपके पास सफाई की चीज़ है उसको हल्का सा रफ करेंगे, क्योंकि वो ख़ास तौर पे मैं हैप्पी लेक के हवाले से बता रहा हूँ, जब आपने वाटर बेस्ड मैट यूज़ किया हुआ या मैट इनामल यूज़ किया हुआ, ये मॉडल लेस किसी भी कंपनी का यूज़ किया हुआ होता है, क्योंकि मॉडल लेस सारे एक ही चीज़ें एक ही तरीके से पेंट बनता है, तो वो आप हल्का हल्के हाथ से जब उसको साफ करेंगे ना, थोड़ा सा हल्का सा सर्फ ले लें, कोई भी डिटर्जेंट ले लें, वो हल्के हाथ से थोड़ा सा रफ करेंगे तो वो साफ हो जाएगा, क्योंकि वो वॉशेबल होता है। अच्छा काशिफ, आपने कुछ फ्यूचर प्लान्स के बारे में बताना चाहेंगे, कोई कैंपेन, अपकमिंग कैंपेन, कोई ऐसी? देखिए हमारी कैंपेन इस पूरे साल थ्रू आउट चली है और तमाम पाकिस्तान के बड़े मीडिया चैनल्स पे और हमारे FM 89 पे भी, 106 पे भी हमारी कैंपेन थ्रू आउट चली है। बीच में सैलाब की वजह से थोड़ा सा टाइम आउट हो गया है, अदरवाइज हमारे फ्यूचर प्लान्स हैं, क्योंकि ये मार्केट अवेयरनेस है ना लोगों के लिए बड़ा ज़रूरी है, और आप थ्रू मीडिया हर घर में एंटर हो सकते हैं, आप रेडियो के ज़रिए हर घर में एंटर हो सकते हैं, आप टीवी चैनल्स के ज़रिए हर घर में एंटर हो सकते हैं, तो इस चीज़ पे ये मार्केट अवेयरनेस होती है, इससे आपकी प्रोडक्ट की डेवलपमेंट होती है, लोगों को प्रोडक्ट अवेयरनेस आ जाती है ना, तो दिस इज़ हाउ यू कैन एंटर द मार्केट एंड यू कैन कैप्चर द मार्केट, आप मार्केट को भी कैप्चर कर सकते हैं, आप मार्केट शेयर भी कर सकते हैं। तो अभी भी चल रहे हैं हमारे ये जो प्लान्स हैं, क्योंकि हमने सोशल मीडिया को भी यूज़ करना है हमेशा से, हम करते रहे हैं और करेंगे, और मीडिया चैनल्स के थ्रू भी, थ्रू रेडियोज़ के ज़रिए भी हमारे ये प्रोग्राम्स हैं कि हम अपने प्रोडक्ट की पब्लिसिटी वहाँ पर करते रहें। चैलेंजेस को कैसे देखते हैं और कंपटीशन की स्पेशली मैं बात करना चाहती हूं, कंपटीशन कैसे देखते हैं? देखिए कंपटीशन के लिए मैं हमेशा से मैं एक बिलीवर हूं कि कंपटीशन हेल्दी होना चाहिए, और हेल्दी कंपटीशन आपकी जिंदगी में, जिंदगी के हर शोबे में होना भी चाहिए। हेल्दी कंपटीशन अगर ना होना और आप अकेले ही हवा में उड़ रहे हो तो एक टाइम आता है आप खुद भी सुस्त हो जाते हैं, आपके अंदर एनर्जी भी ख़त्म हो जाती है, एनर्जेटिक ही नहीं होते आप, मोटिवेटेड ही नहीं होते, क्योंकि आपको कोई भी कम्पीट करने वाला नहीं होता, तो यू फील लेजी और आप उसमें एक्सप्लोर भी नहीं कर पाते, आप उसको एडवांस भी नहीं कर पाते, कोई नई टेक्नोलॉजी भी इंक्लूड नहीं कर पाते, क्योंकि आपको पता है मैं रूल कर रहा हूँ। जब कॉम्पिटिशन आता है ना तो ये पब्लिक के लिए भी अच्छा होता है, आवाम के लिए भी अच्छा होता है और कंपनीज के लिए भी अच्छा होता है, कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करते हैं। तो मैं कंपटीशन को तो हमेशा से इस तरीके से देखता हूँ,
दूसरा सवाल आपने कहा चैलेंजेस, चैलेंजेस इस साल तो हमें बड़े चैलेंजेस आए क्योंकि आप ये जितना भी रॉ मटेरियल होता है जाहिर सी बात है इम्पोर्ट होता है, सारे इंग्रेडिएंट्स इम्पोर्ट होते हैं, शिपमेंट सफर कोई भी थी, रेनी सीजन आउट ऑफ द एक्सपेक्टेशंस हो गया पाकिस्तान, ऑयल प्राइजेस बहुत डिपेंड करते हैं हम लोग इन चीज़ों पर, डॉलर की फ्लक्चुएशन हो गई है, मार्केट इकोनॉमिकल कंडीशन नॉट इवन इन स्पेशल इन पाकिस्तान ऑल ओवर द वर्ल्ड बड़ी अफेक्ट हुई है, तो आजकल ये चैलेंजेस भी बहुत ज़्यादा हैं। थैंक यू सो मच काशक, आप हमारे शो में आए और बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड आई रियली विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर हेमिलिक पेन्स के उसको इसी तरह अल्लाह ताला तरक्की दे। आखिर में कुछ सामीन के लिए कुछ कहना चाहेंगे, कैसा लगा शो पे आके, रेडियो की अफाइयत पे कुछ कहें? सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर एंड अलाउ मी टू टेल पीपल अबाउट माई प्रोडक्ट्स एज़ वेल, इट्स अ प्लेजर टू बी हियर, थैंक यू, एंड आई विल बी लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट टाइम अगेन इंशाल्लाह ताला। और मार्केट के लिए और लोगों के लिए मेरा एक ही मैसेज है कि वी आर प्राउड पाकिस्तानी प्रोडक्ट, वी आर हेयर फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान, हम पाकिस्तान के लोगों के लिए और पाकिस्तान के लोगों को सर्व करने के लिए, और मेरा लोगों से पैगाम है कि अपनी पाकिस्तानी प्रोडक्ट को इस्तेमाल करें और उन्हें प्रमोट करें और हैप्पीली को यूज़ करते रहें, अपना बहुत ख्याल रखें, स्टे सेफ। रेडियो की अफादियत पे कुछ कहेंगे? रेडियो एक अच्छी चीज़ है और इसकी अफादियत के बारे में, अफादियत एक ऐसा जुमला है जिसको आप थोड़ा सा इंग्लिश में मुझे एक्सप्लेन करें तो, मतलब इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में आप क्या कहें? इसकी इम्पोर्टेंस बहुत अच्छी है, बहुत ज़रूरी है। देखें ये एक ऐसी चीज़ है जहाँ आप बैठे हुए आपकी कॉस्ट भी नहीं लग रही है और आपको मालूमात हासिल हो रही है। आज अगर हमने एक शो किया है ना हैप्पीले के बारे में, इतनी कॉल्स आई हैं पेंट्स के बारे में आप कह लें, तो वो उन लोगों को मालूमात हुई, आप लोग लोगों के घरों में जाके उनको इंटरटेन भी कर रहे हैं, उनको रिलैक्स भी कर रहे हैं, उन्हें खुशियां भी दे रहे हैं, उन्हें मालूमात भी फराहम कर रहे हैं, तो ये बहुत ज़रूरी स्टेशन है लोगों की ज़िंदगी में। थैंक यू सो मच काशिफ, और आप अपना ख्याल रखिएगा, अपने ब्रांड को अल्लाह ताला आपकी ब्रांड को और तरक्की दे, और सामीन आप सब लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इतने शौक से मेरे शो को सुनते हैं, और बिल्कुल काशिफ की बात, पाकिस्तानी ब्रांड्स को यूज़ कीजिए ताकि आपकी इकॉनमी स्ट्रॉन्ग हो और हमें जो इस वक्त हम मुश्किलात में हैं उससे हम बाहर आ सकें। और ये मेरा शो भी स्पेशली उन तमाम पाकिस्तानी ब्रांड्स के लिए है जो दिन रात मेहनत करते हैं और अपने ब्रांड्स को आप तक, अपने प्रोडक्ट को अच्छी क्वालिटी में आप तक पहुँचाना चाहते हैं। आपकी भी कामयाबी का कोई सफ़र है, आपका भी कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसको आप इनिशिएट करना चाहते हैं, उसके बारे में उसकी सक्सेस स्टोरी को हमारे सामईन को बताना चाहते हैं, तो आप हमारे स्टूडियो आ सकते हैं, हमें अपना पैगाम हॉट एफ एम 105 के फेसबुक पेज पर भेजिए, हम आपको भी अपने शो में ज़रूर इन्वाइट करेंगे। सामीन आखिर में सिर्फ इतना ही कहूँ, ज़िंदगी उन्हीं लोगों के लिए कामयाब है जो मेहनत करना जानते हैं, मेहनत मेहनत और सिर्फ मेहनत, मेहनत करते जाइए, सारी की सारी कामयाबियाँ आपके पैरों आपके कदमों के नीचे आपके साथ मौजूद हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।